दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा, कभी लाला जी आगे कभी मोदी जी आगे, लेकिन हम लोगों को पहले ही पता था कि दिल्ली लाला जी को दी जाएगी और गुजरात मोदी जी ले जाएंगे। साथियों, ये जो बंदरबाट चल रहा है ये सामान्य व्यक्तियों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग चिंतक और विचारक नहीं होते, वो मात्र जनसंख्या बढ़ाने के लिए देश में काम करते और पेट पालने के लिए। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं देश में, या जो देश की तरक्की के लिए सरकारों को करना चाहिए, उनकी तरफ मुश्किल से 10% लोगों का ध्यान जाता है। उसमें भी अगर हम लोग देखें तो 5% लोग ही हैं जो दूरदर्शी होते हैं, जो चीज़ों को नज़दीक से समझते हैं। आपने इस चुनाव से पहले भी देखा होगा, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और कैसे बम्पर वोट से पंजाब में लाला जी को जिताया गया, जीता नहीं था, जिताया गया था। उसके बाद 4 राज्य बीजेपी ने जीत लिए, लोगों में एक माहौल बनाया गया कि जनता का मूड ये था। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि एक पंजाब देकर के 4 राज्य ले लेना, ये बहुत बड़ी साजिश थी भाजपा की और आरएसएस की। हमने कल के रिजल्ट के पहले ही कह दिया था कि दिल्ली लाला जी को दी जाएगी और गुजरात मोदी साहब खुद ले जाएंगे, और वहां पर दिखाया जाएगा कि भाजपा की सुनामी है, तूफान है। और वहां लाला जी की जमानत जब्त हो रही है गुजरात में, कमाल का देश में लोगों का विचार है, दिल्ली और हरियाणा के बीच में क्रॉस करके पंजाब में सरकार बनाई जाती है और जमानत जब्त होती उत्तर प्रदेश में लाला जी की। सेम वैसे ही दिल्ली में पूरे देश के लोग हैं, पूरे देश में ऐसी जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली में बम्पर वोटों से लाला जी जीतते हैं और गुजरात में जमानतें जब्त हो रही हैं। तो ये क्या है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और एक ही परिवार के लोग हैं। इस देश में जो हजारों सालों से होता रहा है वही अब ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि देश में जागरूकता बहुत है, ना जातीय जनगणना की जाती है, ना संख्या की बात होती है, और जहां तक बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय ने भी फटकारा है सरकारों को, और उच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को ये आदेश किया कि सरकार को देश के कानून का पालन करना चाहिए। और जब सर्वोच्च न्यायालय को ये बात कहनी पड़ जाए तो सोच लो आप कि देश में कानून का राज है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष एक दिन में चुन लिया जाता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें नोटबंदी की 2016 में हुई थी, आज तक ये हलफनामा नहीं पेश कर पाए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उस समझौते में किसके साइन हुए थे, किससे बात हुई थी, किसकी हामी हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तुगलकी फरमान देश में जारी कर दिया गया और लोगों की जमा पूंजी को कूड़ा मिट्टी बना दिया गया।